कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो आइए जो जो इस क्वेश्चन में हमें दिया है वो हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें दिया है, यह क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें सबसे पहले दिया है यदि किसी एपी का तीसरा पद यानी कि A3 हमें दिया हुआ है 4 और इसी प्रकार से A9, क्योंकि नौवां पद है इसलिए ये दिया हुआ है A9, ये दिया हुआ है हमें -8, ठीक है। तो इसमें हम अब आगे देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी इस एपी में धीरे धीरे करके आगे एक पद शून्य भी आएगा। हमें देखना है कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन हमें 0 दिया हुआ है और हमें एन निकालना है, ठीक है। yes, तो आइए, A3 हमें दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमें दिया हुआ है A+2D, वह दिया हुआ है 4 के बराबर, और इसी प्रकार से A9 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है A+8D, यह बराबर है -8 के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें हमने जो फॉर्मूला याद किया है वो किया है An बराबर A+N-1 × D। तो हम इन दो समीकरणों को यूज करेंगे और इनके यूज से हम A और D निकालेंगे। आइए देखते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, जैसे A+2D बराबर है 4 और A+8D बराबर है -8 के, ठीक है। हम विलोपन विधि से इन्हें हल करेंगे, इसके साथ साइन है प्लस तो ये बन जाएगा माइनस, इसके साथ साइन है प्लस ये बन जाएगा माइनस, इसके साथ साइन है माइनस ये बन जाएगा प्लस। अब देखिए A-A कट गया, यानी कि A-A हो गया 0 के बराबर, उसके बाद यह है +2D, यह है -8D, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 निकाला 6D, साइन बड़ी रकम का जो कि है माइनस बराबर, यहां पर है +8 + 4 + 8 और 4 12, तो यहां से डी हमारे पास आ गया 12, -6 इस डी के साथ गुना हो रहा है, यहां जाएगा तो हो जाएगा 12, 6 और 12 कट गया 6 × 12, डी आ गया ये है 2 और साथ में माइनस का निशान, तो डी हमारे पास आ गया माइनस। हमने पहले भी ये पढ़ा है कि देखिए A3 है 4, A9 है -8, इसका मतलब 4 से -8 की ओर, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रही है। हमने पहले भी पढ़ा था यदि कभी ऐसा हो तो D हमेशा माइनस में आता है, तो यहाँ D आया है -2। D के इस मान को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 में A+2 × D, D कितना आया है -2, ये बराबर होगा 4 के। यहां से A बराबर है +2 − -2 × 4, ये बराबर है 4 के, तो A हो गया 4, -4 इधर है -4, उधर जाके ये हो जाएगा +4, तो A हो गया 4 + 4 = 8 के बराबर। अब हमारे पास D भी आ गया, A भी आ गया। प्रश्न के अनुसार An हमें दिया हुआ है 0 के बराबर, हमें पूछा गया इस एपी का कौन सा पद शून्य के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसका एक पद शून्य है, यानी An 0 के बराबर है। An का फार्मूला होता है A+N-1 × D, यह 0 के बराबर होगा। इसमें हम A और D की वैल्यूज डाल देंगे, A कितना आया है 8 + N हमें पता करना है,
तो ये हो गया एन माइनस वन इंटू डी, डी हमने कितना निकाला था माइनस टू, यह बराबर होगा आठ, इधर प्लस हो रहा है जब ये जीरो से बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो माइनस आठ यानी कि माइनस आठ, यहां पर बच गया माइनस दो एन माइनस वन इंटू माइनस। अगले स्टेप में माइनस दो इसके साथ गुना हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग और यहां बच गया एन माइनस वन, माइनस से माइनस कर गया दो चौके आठ, ठीक है। अब हमारे पास यहां आ गया है एन माइनस वन बराबर माइनस से माइनस कर चुका दो और आठ कर चुके बाकी बचा चार, तो हमारे पास रह गया एन माइनस वन बराबर चार, तो ये आ गया एन बराबर चार, एक इधर माइनस हो रहा है इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया एन बराबर चार प्लस एक पांच। इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछा गया था इस एपी का कौन सा पद जीरो होगा, तो इसका उत्तर है पांचवा पद, तो हम लिख देंगे इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा, यह हमारा प्रश्न था, ठीक है।